Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmadu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'udhu billahi min ash-shaytanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma faqihna fid din. Allahumma barik lana fi awqatina. तो आज का हमारा टॉपिक है जी लेसन नंबर 15, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। अरबिक में इसको क्या कहते हैं? अलिफ सगीरा, या सगीरा और वाव सगीरा। लेकिन अब हम इसको पढ़ेंगे चूंकि उर्दू स्टाइल में पढ़ रहे हैं, तो खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर की इलामत देख लें और उल्टा पेश की इलामत देख लें, ठीक है। अब इसका पूरा जो भी इसकी इंस्ट्रक्शन है वो सारी देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने हरूफ़ लीन के बारे में देखा था, वहीं से हम अब चलते हैं खड़ा ज़बर के बारे में। बहुत इजी है ये कहने, बस एक मिनट में हम इसकी इंस्ट्रक्शन समझ आ जाएगी, बाकी सारा काम है प्रैक्टिस का और उसको अप्लाई करने का। अलिफ मद्दा खड़ा ज़बर के काय मुकाबिल होता है, याय मद्दा खड़ी ज़ेर के काय मुकाबिल होती है, वाव मद्दा उल्टा पेश के काय मुकाबिल होता है, ठीक है। सिर्फ क्या है, राइटिंग स्टाइल जो है वो चेंज है। अलिफ मद्दा इस तरीके से लिखा जाता है और खड़ा ज़बर जैसे मैंने अभी आपको उसकी इलामत दिखाई है वो इस तरीके से लिखा जाता है। याय मद्दा इस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है जी, और खड़ी ज़ेर जो है वो इस तरीके से लिखी जाती है। वाव मद्दा इस तरीके से लिखा जाता है और उल्टा पेश जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है। सिर्फ और सिर्फ राइटिंग स्टाइल डिफरेंट है, ठीक हो गया, बाकी कोई चीज़ डिफरेंट नहीं है। हरूफ मद्दा भी हम 2 सेकेंड लंबा करते थे, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश भी हम 2 सेकेंड ही लंबा करेंगे। एक एक चीज़ सेम है, सिर्फ स्टाइल चेंज होगा, इनका जो लिखने का स्टाइल होता है वो चेंज होगा, बाकी सब चीज़ें जो हैं इसके बारे में सेम है, जिस तरीके से हरूफ मद्दा के बारे में हमने पढ़ा। चलें जी चलते हैं खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश पे। अब आप ये देखें, बा, बी, बू, वहाँ पर भी सेम चीज़ थी लेकिन बा अलिफ ज़बर बा, बा वापिश बू, बा या ज़ेर बी, बा, बू, बी, सेम। आप देख लें साउंड की जो हमारे पास ड्यूरेशन आ रही है वो सेम आ रही है, डिफरेंस क्या है, सिर्फ ये जो अलामात हैं ये चेंज है। चलो जी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم با بي بو تا تي تو ثا ثي ثو جا جي جو ح ح ح خ خ خ د د د ذ ذ ذ ر ر ر ز ز ز س س س ش ش ش सो सुई सु दो दी दू तो तुई तू वो ली जू अ ई रू वो री रू फा फी फू को ती कू का की कू ला ली लू मा मी मू ना नी नू वा वी वू हा ही हू आ ई ऊ या यी यू। चलें जी इसकी मशक की तरफ चलते हैं। किसको लंबा नहीं करना? ज़बर को लंबा नहीं करना। अबा, और कैसे नहीं पढ़ना? आ बा, ज़बर लंबी नहीं होगी। अबा, अच्छा, सजा, अवहा, फहदा, यारा, तुजिजा, असा, यख्षा, عصا يرضى طه
يسعى يطغى يخفى يبقى أبكى قلى رمى أدنى أحوى أدهى رأى يحيى آيات آلاف فيه بعده رسله عمله سقاته بطنه آياته طيله قلبه هذه خلاله ثمره بعبده يحيي يستحيي وجهه برقه إيلافهم بمزحزحه معه يره فله رزقه خلقه فصاله ختامه نعمه ويثه صدره كتابه أطعمه سبحانه قومه قبضته بوريا داود عمله يلفون يستوون. अब आप ये देखिए, इसको वूरिया पढ़ना है, ऊरिया नहीं पढ़ देना, दाऊद दा ऊ नहीं पढ़ना, वू पढ़ना है, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश का लेसन, उसकी प्रैक्टिस। इसको बार बार प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और उसको इम्प्लीमेंट करना आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट चलते हैं कुरान के लेसन की तरफ। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آئیے سورۃ البروج کی ہم تلاوت سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات
تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.